Hello guys, welcome back to our channel. This side Winkle. Hope you are doing well and you are watching Explorers. So guys, welcome back to another YouTube video. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मतलब कि आपके लिए एक beneficial topic होगा. Like आज हम बात करेंगे कि जब बच्चे नए intake के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे questions चलते हैं. Questions चलते हैं like कि क्या pack करें, क्या लेके जाएं, क्या छोड़ दें और वहाँ पे जाते फर्स्ट वीक कैसे हम अपना गुजारा करेंगे, लाइक सर्वाइवल कैसे करेंगे फर्स्ट वीक के लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक मेरे भाई हैं अभी वर्मा, जिनकी मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी लाइक, तो उन्होंने मेरे को कमेंट किया है और रिक्वेस्ट की है स्पेशल कि लाइक तुम ये वीडियो ज़रूर बनाओ, बिकॉज जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट वीक में जो सर्वाइवल करना है उसकी गाइडेंस कोई नहीं देता और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट वीक में आप कैसे सर्वाइव करोगे जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, जब आपके पास ना कोई काम है ना खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा. एम्बुलेंस थी तो मैं बात कर रहा था कि जब आप फर्स्ट वीक यहाँ पे आ रहे हो, जब आप आ रहे हो तो आपके लिए जो फर्स्ट वीक है वो कैसे आप सर्वाइव करोगे, तो आज हम बात करेंगे उस पर. तो गाइज, जैसे कि फर्स्ट वीक में जब आप आते हो तो आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, ग्रॉसरी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मतलब कि कमरा चाहिए, कमरा खाली भी नहीं चाहिए, मैट्रेसेस, ये वो फर्नीचर, कुल मिला के आपको ईच एंड एवरीथिंग चाहिए जो कि एक सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. और उससे भी ज़रूरी ये होता है कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो जब लैंड हो रहे हो तब आपको कौन रिसीव करने आ रहा है और वो वाली जो सारी चीज़ें हैं कि एयरपोर्ट पर आपको कौन लेने आ रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और कई बच्चों का ये मतलब कि ऐसा होता है कि जो 50% बच्चे होते हैं उनका कोई रिलेटिव या समथिंग मतलब कि उनका कोई भी नहीं होता आगे पीछे यहाँ पे, और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं और उनका कोई अरेंजमेंट भी नहीं होता और उनके घर वालों को भी इतनी प्रॉब्लम होती है लाइक कि कहाँ पे जाएगा बच्चा. अगर कपल भी आ रहा है लाइक जो हमारे स्पाउस वीज़े पे भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सोचने वाली चीज़ है कि क्या करेंगे. तो गाइस, आपके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है कि फ़र्स्ट वीक के लिए आप यूनिवर्सिटी की जो एकोमोडेशन है उसको हायर कर लो जितनी देर के लिए वो दे रहे हैं. अगर वो कह रहे हैं कि आपको 15 डेज़ के लिए मिलेगी, 1 मंथ के लिए मिलेगी, तो गाइज़ आपको वो ले लेनी चाहिए, आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है. बेस्ट ऑप्शन गाइज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ देखो, पहले तो वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दे देंगे, तो जो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है वो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल हो जाएगी लाइक आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन लेने आएगा या फिर हम कहाँ पे जाएंगे, या फिर ये तो नहीं है कि हम एयरपोर्ट पे ही खड़े रह जाएंगे, वहाँ से आगे हम जा नहीं सकते. तो यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप किसी पर डिपेंड भी रहते हो तो पहली बात तो है उसका लॉस, उसका लॉस लाइक ऐसे कि उसको अपनी पूरी एक दिन की शिफ्ट ख़राब करनी पड़ेगी. अगर तो वो कहीं पे काम कर रहा है तो उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा, अगर तो वो ऊबर वगैरह या फिर ऊबर ईट्स वगैरह कर रहा है तो बंदा चलो थोड़ी देर के लिए अपने आवर्स छोड़ सकता है, बट फिर भी उसको कुछ ना कुछ लॉस करना पड़ेगा अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. तो अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइक कि अननोन हो, किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो और इन द एंड वो आपको ना लेने आए, तो आपके लिए भी दिक्कत वाली चीज़ है. तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चे सिंगल आ रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि गाइज आप तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को हायर कर लो और जो 1 वीक है आपका या 1 मंथ है उसको आप उसी में गुजारो, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइज सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ लाइक कि आपको वो फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह भी दे देंगे, मैट्रेसेस वगैरह भी दे देंगे, और उसके बाद फिर हाँ खाना आपको खुद करना पड़ेगा और भी जो चीज़ें होती हैं लाइक जो हमें डेली के लिए चाहिए तो वो आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे. और उससे भी बड़ी बात, वो आपको एयरपोर्ट पे लेने भी आ जाएंगे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो और उनको बताते हो प्रॉपर कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं लेने आ रहा. तो ये है, तो जो आ रहे हैं कपल, हेलो, जिनको सीधा ही रूम वगैरह चाहिए, तो मेरे भाइयों आपको रूम हंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गमट्री है और 2-3 और वेबसाइट्स हैं लाइक एक है कि अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, नाम याद आएगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जो कि मैं कभी नहीं करता बट आज मैं ज़रूर करूंगा. तो
आप क्या करो, आप वहाँ पे सर्च करके अपने लिए रूम सर्च कर सकते हो। तो आप उनको बोलो कि हम जैसे ही यहाँ पे लैंड होंगे तो हम आपको जो है पैसे वो पे कर देंगे, या फिर उनको एडवांस पेमेंट कर दो आप वहाँ से वेस्टर्न यूनियन से। तो जैसे जो बॉन्ड वगैरह होता है तो वो आपके लिए रिज़र्व रख देंगे रूम। तो बट आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए जो वहाँ पे आप पढ़ने आ रहे हो, क्योंकि सपोज वीज़ा भी तो एक बंदा तो पड़ेगा, उसकी यूनिवर्सिटी कितने पास है। तो एक दो हफ्ते के लिए और तीन हफ्ते के लिए आप उनको पहले बोल दो कि हम वन मंथ के लिए लेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो पहले अगर आप बात करके आओगे तो आपके लिए अच्छा है। तो मेरे लिए आपको ये सजेशन है। तो ये तो मैंने बात कर दी रूम्स की, अब बात आती है कि आप क्या लेके आओगे खाने के लिए और क्या क्या सामान हैं जो ज़रूरी है आप अगर यहाँ आ रहे हो नवंबर और फरवरी इनटेक में। तो गाइस पहली बात तो ये है कि गर्मी है, गर्मी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्मियों वाले कपड़े लाना, फुल स्लीव शर्ट्स लेके ज़रूर आना, क्योंकि गाइस धूप बहुत ज़्यादा होती है और जो बाजू है ना ख़राब कर देती है वो। तो लाइक आप फुल बाजू की चीज़ें तो लेके आना ही आना। और गाइस ब्लैक कपड़े मैं पहले बोलता होता हूँ, ब्लैक लोअर, अगर आप पैंट डालते हो तो ब्लैक पैंट, और टी शर्ट्स कॉलर वाली डालते हो तो कॉलर वाली, गोल गले वाली डालते हो तो गोल गले वाली ज़रूर लेके आना हाफ बाजू की। बिकॉज़ अगर आप काम करने जाओगे, कहीं पे काम करोगे, तो 90% जो काम जहाँ पे मिलता है आपको, वहाँ पे आपको ब्लैक कपड़े पहन के आने पड़ते हैं। और एक अगर इंडिया से सेफ्टी शूज़ मिल रहे हैं तो सेफ्टी शूज़ इंडिया से ले आओ, अगर नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से आके भी ले सकते हो। तो उसका प्राइस आई थिंक $60 to $65 है, और एक बार ही ले लो, वो टूटते नहीं हैं, तो ये भी कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शंस है। तो गाइस कपड़ों वगैरह की बात तो मैंने आपको कर दी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो ला सकते हो। कपड़े तो गाइस चलो यहाँ पे मिल भी जाएंगे, बट काले वाले जो है दोनों चीज़ें आप ज़रूर लेके आना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आप आते ही पैसे खर्चोगे तो ये वर्थ नहीं है, अगर आप वहाँ से लेके आओगे तो बेनिफिशियल है। तो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ़ूड की, फ़र्स्ट वीक आके आपको ग्रोसरी ना लेनी पड़े। तो पहली बात तो है, फ़र्स्ट वीक तो छोड़ो, लैंड होते ही आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे, मेक श्योर आप मैगी एक दो पैकेट्स और हल्की फुल्की चीज़ें लाइक पॉपकॉर्न्स हो गए जो कि जल्दी कुक हो जाएं। और गाइस बर्तनों की बात करें तो आप कुकर, मैं आपको ना एक फुल फ्लेज वीडियो बना के दूंगा लाइक अकेली बर्तन पे कि बर्तन कौन से लेके आने हैं। और गाइस 90% चांसेस ये होते हैं कि जहाँ पे आप घर लेते हो वहाँ पे आप बोल दो कि हम आपको पे कर देंगे, लाइक फिक्स्ड पे कर दो एक बारी और हम आपके बर्तन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यही होता है जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ, 10-20% बर्तन हमारे हैं, बाकी उनके हैं, हम यूज़ कर लेते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है जिसके घर आप रहने आ रहे हो, तो ये चीज़ को तो आप खुद करना पड़ेगा, आपका जो ऑनर है वो कैसा है, आप पे कोऑपरेट करता है कि नहीं करता। बिकॉज़ कई चीज़ें गाइस ऐसी होती हैं कि हर बंदे के घर का रूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हमारे घर का रूल ऐसे है, जो डिशवॉशर है वो हमारा, हमारी जो लैंडलॉर्ड है वो प्रोवाइड करती है, तो कई बार हम खुद भी ले आते हैं, तो उसके लिए उनके लिए भी हेल्प हो जाती है और हमारे लिए भी हेल्प हो जाती है। तो ये तो आपके आपस के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कितनी जल्दी और कैसे कर लेते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है। और गाइस उसके बाद अब हम अगर बात करते हैं कि और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फ़र्स्ट वीक के लिए गाइस आप टूथपेस्ट ले आना, ब्रशेस ले आना अपने दो, क्योंकि आते ही ये सामान लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो छोटी छोटी चीज़ें ले आओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और गाइस उसके बाद सोप ले आना है एक या दो, जो भी एक पूरा पैक आता है तीन पीसेस का, तो आप वो ले आना, क्योंकि आते ही फिर से वही बात आप दोबारा खर्चा करोगे। तो देखो सोप लिख लो, टूथपेस्ट लिख लो और फेस वॉश लिख लो अपना, और उसके बाद शैम्पू ले आना, अगर पाउच वाला मिलता तो मच बेटर है। उसके बाद गाइस आपका टूथब्रश, ये पांच चीज़ें हैं जो तो आप ले ही आना, जो डेली यूज़ के लिए आपको यहाँ पे आके सीधा ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो अंडर गारमेंट्स की बात करें तो वो चार पाँच पीस ले आना है, क्योंकि दो ही धोने का टाइम नहीं मिलेगा, आप वीक बाद ही वॉश कर सकते हो। वीक बाद इसलिए वॉश करोगे क्योंकि गाइस वाटर का भी बिल आता है, वैसे तो इंक्लूडेड होता है, बट फिर भी बेनिफिट यही है कि आप वीक बाद वॉश करो उसे। उसके बाद गाइस अगर बात करें, चीज़ आती है आपकी सॉक्सेस की, तो सॉक्सेस गाइस चार पांच पेयर ले आना, पांच पेयर तो कम से कम लेके आना, वही रोज़ यूज़ करके दोबारा वाली बात की आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइस ये तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए कवर कर ही नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक सारा कुछ यही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो लेके आनी होती हैं आपने।
और गैस जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कैश लेके आ रहे हो अपने साथ, मेक श्योर आप जो करेंसी एक्सचेंज की स्लिप होती है उसको ज़रूर साथ में रख लेना। मच इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कई बारी नॉट ऑल द टाइम, कई बारी जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना कैश है और आप के पास उसका एक्सचेंज की स्लिप है कि नहीं। तो मेक श्योर आप ये चीज़ों का ध्यान रख लें। बाकी गाइज मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, स्टार्टिंग में जाके आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या क्या है। ये वीडियो मैं खास डिमांड पे बना रहा हूँ क्योंकि कई मेरे भाई, एक तो मेरा बहुत अच्छा भाई है जो कि मैंने आपको पहले बताया एवी वर्मा, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गाइज आपके लिए भी है जो फेबररी और नवंबर इनटेक में आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें। और दैट्स इट, फिर मिलेंगे गाइज एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड गाइज बी सेफ। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत लीव करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करा कीजिए और मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गाइज आपका अगर बेनिफिट हो रहा है, आप किसी का और का बेनिफिट करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ एक्सप्लोरर्स।